वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। टुडेज टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ कैम प्रोफाइल। कैम इज ए रोटेटिंग ऑसिलेटिंग मशीन पार्ट्स है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया। अभी हम करेंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे। हाउ टू ड्रॉ वो हम लोग अभी सीखेंगे। नाउ ए प्रॉब्लम, ड्रॉ द शेप ऑफ द कैम टू गिव ए यूनिफॉर्म राइज एंड फॉल ऑफ 50 mm टू ए पॉइंट ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन ऑफ द कैम। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इक्वल टू 25 mm। लीस्ट रेडियस ऑफ द कैम इक्वल टू 25 mm। नाउ गिवन, शाफ्ट डायमीटर इक्वल टू 25 mm, लीस्ट रेडियस ऑफ द कैम 25 mm एंड डिस्टेंस ऑफ राइज एंड फॉल दैट मीन लिफ्ट इक्वल टू 50 mm। सपोज फॉलोअर मे बी नाइफ एज और पॉइंटेड और मे बी रोलर फॉलोअर। दोनों फॉलोअर हम कैम ड्राइंग में यूज़ करेंगे। हाउ टू ड्रॉ द कैम प्रोफाइल बिटवीन दिस फॉलोअर, दिस इज नाइफ एज फॉलोअर, दिस इज रोलर फॉलोअर। तो दोनों कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के वक्त में हम दिखाएंगे कैसे ड्राइंग होता है इन लोगों का। नाउ पहले एक जीरो सेंटर करके, पहले सेफ डायमीटर 25 एंड लीस्ट रेडियस 25 था, मतलब डायमीटर 50 डायमीटर एंड राइज एंड फॉल 50। उसको टोटल 3 सर्कल बनाना है। नाउ 50 राइज एंड फॉल है, तो ये जो आउटर सर्कल है, ये आउटर सर्कल का रेडियस कितना होगा? यहाँ आर इक्वल टू होगा 75। 25 प्लस 50, क्योंकि 50 राइज एंड फॉल था और लीस्ट रेडियस था 25, इसीलिए ये 75 आया। नेक्स्ट वो पूरा सर्कल को हमने 12 इक्वल डिवीजन किए और यहाँ से यहाँ जो 50 था वो 50 को हमने इक्वल 6 डिवीजन किए। इक्वल 6 डिवीजन है ये। इसके बाद 1-2-3-4-5-6-7 ऐसा करते 12 तक हमने इसको मार्किंग किए और यहाँ से 1-6 तक इसको इक्वल डिवीजन को मार्क किए। अब यही 6 डिवीजन को हम 12 तक मार्क करेंगे। हाउ, 6 के साथ आएगा 12। ये क्या है, 6 यहाँ 6 डैश है, तो यहाँ क्या है स्टार्टिंग से, उसके बाद वो जो रिवोल्यूशन होता है 0 से 180 डिग्री मतलब 6 तक वो होगा राइज और 6 ये 6 से 12 तक ये होगा फॉल। वो है क्या है, अप एंड डाउन या राइज एंड फॉल, आधा आधा होगा। देन ये 7 है, तो 7 किसके साथ आएगा, 5 के साथ। तो ऊपर हम 7 के पास में 5 का डिवीजन लिखेंगे। उसके बाद 4 के साथ आएगा 8, 3 के साथ आएगा 9, 2 के साथ आएगा 10 और 1 के साथ आएगा 11। तो ऐसी तरह हमको 12 इक्वल डिवीजन मार्किंग करना है। नेक्स्ट 1 से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, 0 से 1 तक रेडियस लेकर 1 के ऊपर 1- और 11- के ऊपर करेंगे। उसके बाद 0 से 1 मार्क तक रेडियस लेकर 1- एंड 11- के ऊपर रेडियस ड्रॉ करना है। उसके बाद 0 से 2 तक मार्क रेडियस लेकर 2- एंड 10- के ऊपर रेडियस ड्रॉ करना है। इसके बाद 0 से 3 तक रेडियस लेकर 3- के ऊपर और 9 के ऊपर रेडियस ड्रॉ करना है। इसके बाद 0 से 2 तक रेडियस लेकर 2- और 10- के ऊपर रेडियस ड्रॉ करना है। 0 से 5 तक रेडियस लेकर 5- और 7- के ऊपर रेडियस ड्रॉ करना है। 0 से 6 का जो डिस्टेंस है वो 6- के साथ मैच कर जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों फॉलोअर का हम एक एक करके उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। पहले नाइफ एज का पॉइंट पॉइंटेड है, इसलिए नाइफ एज का पॉइंट वो स्टार्टिंग या लीस्ट रेडियस जो था उसके ऊपर पहले उसका पॉइंट हाईलाइट करेंगे, क्योंकि दिखाना है जो वहाँ रोलर वहाँ से स्टार्टिंग हुआ। रोलर का जो मोशन है वो अप एंड डाउन मोशन है और ये क्या है, कैम का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म राइज एंड फॉल मोशन सर्कुलरली, तो इसको दिखाया गया है। इसके बाद हर एक पॉइंट को पॉइंटेड रोलर का पोजीशन आप दिखा भी सकते हो नहीं भी सकते हो। उसके बाद फ्रेंच कर्व से इसको जोड़ना है, तब हमारा कैम प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट व्हेन इट रोलर फॉलोअर, नाउ हाउ टू ड्रॉ इट।
पहले क्या है, रोलर फॉलोअर का एक डायमीटर दिया जाएगा, तो उसका डायमीटर वही जस्ट स्टार्टिंग जहाँ से हुआ जो लीस्ट पॉइंट था वहाँ रोलर का आउटर साइड बैठेगा, मतलब सर्कमफेरेंस टच करेगा दिस पॉइंट पर, इसी तरह उसका रोलर का सर्कल बैठेगा उसका ऊपर, और हर एक क्रॉसिंग पॉइंट में रोलर का आउटर सरफेस ही टच करेगा, उसको हम दिखा देंगे। रोलर का पोजीशन दिखाने के बाद हर एक क्रॉसिंग पॉइंट को फ्रेंच कर्व से आप लोग जोड़ दोगे तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। और रोलर का पूरा सर्कल दिखाना मैंडेटरी नहीं है, आप हाफ सर्कल भी दिखा सकते हो। एग्जैक्ट स्केल में दिस कैम प्रोफाइल आप लोग ड्रॉ करोगे तो दिस फिगर आएगा, एक नाइन बेस फॉलोअर के लिए, एक रोलर फॉलोअर के लिए, दो फिगर यहाँ पर दिखाए गए हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ कैम, जो कैम प्रोफाइल हम लोग ड्रॉ किए अभी उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा अभी वो हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैम प्रोफाइल का। पहले क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जिसका डिस्टेंस होगा पाई डी, जैसा क्या है वहाँ रेडियस था 75, उसका डबल होगा डी 150, तो इस वो यह कैलकुलेट करके आएगा 471 का एक स्ट्रेट लाइन लेना है, उसके बाद 50 लिफ्ट है, 50 लेकर एक रेक्टेंगल बनाना है और लेफ्ट साइड में 50 का लेफ्ट साइड में एक आधा सर्कल बनाना है, उस सर्कल को इक्वल 6 डिवीजन करना है और ये 1 2 3 पर के 6 तक मार्क करना है, वहाँ से 1 से स्ट्रेट लाइन 1 तक जाएगा, 2 से 2 तक, 3 से 3 तक, 4 से 4 तक, 5 से 5 तक, 6 से 6 तक, ऐसा करके राइजर हो जाएगा, उसके बाद फॉल क्या होगा 6 5 4 3 2 1, ऐसा करके हर एक पॉइंट का क्रॉसिंग पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद उसको फ्रेंच कर्व से जोड़ना है, देन कंप्लीट हो जाएगा दिस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ कैम। नाउ प्रॉब्लम टू, एक दूसरा एक प्रॉब्लम हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से दिखाए गए हैं, वहाँ दिया गया है लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर थ्रू 40 mm ड्यूरिंग 60 degree सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू क्या है, डबल फॉर द 45 degree रोटेशन, डिसेंट इट ओरिजिनल पोजिशन ड्यूरिंग 90 degree मोशन ऑफ SHM, रेस्ट फॉर द रिमेनिंग रोटेशन व्हेन द लीस्ट रेडियस ऑफ द कैम इज 60 mm। वो क्या है, पहले की तरह ऐसा ही ड्रॉ करना है, यहाँ जैसा रोटेशन है ऐसा ही डिविजन है, यहाँ उसकी तरह से यूनिफॉर्म मोशन नहीं था इसलिए पूरा 12 degree नहीं हुआ, हर एक डिग्री में डिवाइड करके बाएं तरफ कैम प्रोफाइल ऐसा ही आएगा और दाएं तरफ क्या है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आएगा। और क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम करने के पहले कैलकुलेशन की करना ज़रूरी है, हर एक कैम का मोशन अलग अलग होगा, वेरियस मोशन होता है कैम का, तो ऐसा ही डायग्राम भी अलग अलग होता है, इसको हम लोगों को याद रखना है।